every single day. I'm gonna make something great. Hello dosto, aaj hum aaye Hijama Center Faiyaz Dr. Faiyaz Ahmad ke yahan pe aur IN se jante hain ki Hijama ke bare mein Hijama kaise kaam karta hai, kya kya fayde hain iske. आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। देखिए दोस्तों, आज मैं हिजामा के जरिए, हिजामा क्या है वो बताऊंगा आप लोगों को। हिजामा हमारे बॉडी से जो गंदा ब्लड होता है उसे डिटॉक्स करते हैं, उससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। हिजामा में हर बीमारी के एतबार से अलग अलग पॉइंट है जिस पर अमल करने से अल्लाह ताला शिफा देता है। 147 पॉइंट है टोटल पॉइंट देखो। इसमें हर बीमारी के एतबार से अलग अलग पॉइंट्स हैं। आप जो है हमको तकलीफ बताएंगे उसके हिसाब से आपकी कपिंग की जाएगी। इसमें जो हर बीमारी के एतबार से अलग अलग पॉइंट है, यहां तक कि गोल ब्लैडर में अगर पथरी हो तो वो भी जो है हिजामा के जरिए खत्म हो सकता है। जिसके बच्चे ना होते हो वो भी सही हो सकता है। साइड टीका गठिया, हाई ब्लड प्रेशर, नींद ना आना, डिप्रेशन, हर तरह की बीमारी, आप सोच नहीं सकते कौन कौन सी बीमारियां जिसका मेडिकल में भी इलाज नहीं है उसका भी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा के अंदर है। देखिए हमारी बॉडी में 70% बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने की वजह से होती हैं, और हिजामा के जरिए जो क्लॉट ब्लड निकलता है हमारे बॉडी से, जब क्लॉट ब्लड निकलता है तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और उससे हर बीमारियां जो है अच्छी हो जाती हैं। होता क्या है, ये ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने की वजह से, गाढ़ेपन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हजारों तरह की बीमारी हमारे बॉडी में पैदा होती है। और हिजामा कराने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, साथ में जो है बीमारियों को लड़ने की ताकत में इजाफा हो जाता है। हमारी बॉडी जो है इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाती है और जो है बीमारियों को लड़ने की ताकत में इजाफा हो जाता है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें जो है मेडिकल में इलाज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा के अंदर हर बीमारी के एतबार से इलाज है। और आप आमिर, आपने आज हिजामा कराया, आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस अपना बताएं। तो भाई मुझे बहुत अभी आराम है। और एक चीज और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि ये किस किस एज ग्रुप के लिए, मतलब शुरुआत में इसमें जो है एज लिमिट कोई नहीं है जी, किसी भी एज का आदमी करा सकता है, बस उसकी सेहत सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब हड्डी छोड़ दिया है, गोद नीचे हड्डी छोड़ दिया, ऐसे लोगों को, ज्यादा कमजोर लोगों को मना है, वैसे ज्यादा कमजोर लोग हिजामा ना कराएं जी। सेहतमंद आदमी करा सकता है हिजामा, जैसे जिनको ब्लड की समस्या है या कुछ भी। मैं पिछले 14 सालों से हिजामा कर रहा हूँ और अभी तक तो जो भी आए अल्हम्दुलिल्लाह सबको जो है फायदा मिला है। कोई ये कहने नहीं आया कि आपने हिजामा किया मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और हिजामा का रिजल्ट जो है कराने के फौरन बाद समझ में आता है जी। और पिछले 2 साल से हम कानपुर में बैठे हैं और भी कई जगह बैठते हैं, मुरादाबाद, दिल्ली, हर जगह।
सर कानपुर में आप कहाँ पे बैठते हैं? कानपुर हम बैठते हैं 290 डी डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ जी। मैं अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर बता देता हूँ जी, जिससे आप लोगों को आने में और बात करने में सहूलत हो जी। जी मेरा मोबाइल नंबर है 9999446138। मेरा दूसरा नंबर है 9559379383। ये व्हाट्सएप नंबर है? नहीं, 9999 वाला व्हाट्सएप नंबर है जी। ये व्हाट्सएप नंबर नहीं, दूसरा वाला, ये इमरजेंसी कॉल के लिए। बाकी मेरा एड्रेस है 290 डी डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ कानपुर जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।